खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थ निर्माण की जांच की गई, साथ ही नमूने भी लिए गए। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आमजन को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की दो टीमों द्वारा तहसील तराना एवं नागदा में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा एक टीम तहसील तराना स्थित श्रीनाथ जी डेयरी से घी, राधेश्याम यादव से सेव नमकीन, श्री बीकानेर मिस्टर भंडार से मावा बर्फी के नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की दूसरी टीम द्वारा तहसील नागदा स्थित त्रिथुरा स्वीट से गुलाब जामुन, जैन स्वीट से मावा पेड़ा, राजकुमार कन्हैयालाल से मावा, सांवरिया से मावा, गेलड़ा नमकीन से मावा पेड़ा, विश्वास रेस्टोरेंट से दही, जीत चिल वाटर से पानी, अशोक कुमार मिश्रीलाल से सोयाबीन तेल के नमूने लिए गए। बसंतदास शर्मा ने बताया कि लिए गए नमूने जाँच हेतु खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे, जिनकी जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं को साफ, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं एवं निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई। उन्होंने ग्राहकों से भी अपील की है कि वे खाद्य सामग्री को देखकर, परखकर एवं पैकेट खाद्य सामग्रियों को खरीदने से पूर्व उसके लेबल पर पैकिंग तारीख, बेच नंबर, पता आदि की जानकारी अंकित है या नहीं, इसकी जाँच कर ही खरीदी करें। जांच दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार स्वामी, दीपा टटवाड़े, प्रभुलाल डोडियार एवं नमूना सहायक सलीम खान आदि शामिल थे। खाद्य सुरक्षा विभाग का कार्य है कि आम उपभोक्ता तक एक सुरक्षित खाद्य सामग्री और पूर्ण सुरक्षित खाद्य सामग्री उन तक पहुंचे, और चूँकि त्यौहार का समय भी है तो इस समय काफ़ी ऐसे पदार्थों की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसीलिए जो एक कलेक्टर साहब के निर्देशन में टीम बनाई गई है और लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे ज़िले में कार्रवाई चल रही है। कल भी हमारे द्वारा तराना में और नागदा में तहसील में कार्रवाई की गई, आज बड़नगर तहसील में कार्रवाई चल रही है और उज्जैन में भी आज कार्रवाई हो रही है ना। तो ये लगातार कार्रवाई दिवाली तक तो अच्छी तरह से चल रही है, जिससे सारी सामग्रियों पर हम निगाह रख सकें और देख सकें कि कहीं भी कोई गलत पदार्थ बाज़ार में न बिक।